कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 7 जस्ट है मक्स। ये चैप्टर नंबर 7 है, इसे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए इस साइड में जो चीजें दी हुई है लीटर और मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसे हमें इस साइड में जो नंबर दिए हुए है उसे मैच करना है। तो आप देखोगे ध्यान से Thank you.
जाएगा आपका मिलीलीटर, आपका आंसर आ जाएगा 5000 मिलीलीटर। ओके, इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। सपोज आपको कहा गया 64 लीटर को चेंज करिए, जो 64 लीटर है उसे मिलीलीटर में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे 64 × 1000 मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा 64000 मिलीलीटर। यहाँ यही बात बता रही है कि जब भी हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपको ये तो समझ में आया। अब सेकेंड है कि आपको मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2000 मिलीलीटर। अब इसको आपको कहा जाए कि आप लीटर में चेंज करिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे 1000 से डिवाइड। तो 2000 मिलीलीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा हमारा लीटर। तो आप 2000 को 1000 से डिवाइड करके देखिए, 1000 × 2000 यहाँ हमारा आ गया 2। हमने देखिए 2000 को 1000 से डिवाइड करा तो हमारा आ गया 2, तो ये हो गया लीटर। मिली लीटर को जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसके अलावा भी हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें 1750 दिया हुआ है और उसे कहा गया कि आपको लीटर मिलीलीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 1750 मिलीलीटर इसे हमें लीटर मिलीलीटर में चेंज करना है, तो हमको क्या करना होता है, इसे हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 × 1000 और ये हो जाएगा 750। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लीटर 750 मिलीलीटर, 1 लीटर 750 मिलीलीटर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मिलीलीटर को लीटर मिलीलीटर में चेंज कर दिया तो हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको मैं दूसरे टाइप से भी बताती हूँ कि आपको डायरेक्ट कैसे करना होता है। देखिए 1750 को हमें लीटर मिलीलीटर में चेंज करना है तो हम डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड इस टाइप से हो सकता है, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया 1750 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये लीटर मिलीलीटर में चेंज होगा। तो आपको क्या करना होता है, ये जो है 1, 2, 3 0 है तो आप 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 1.750 मिली लीटर। तो इसका मीनिंग ये हो गया 1 लीटर 750 मिली। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसे लीटर मिलीलीटर में चेंज करा, तो 1000 से हमने डिवाइड करा, तो हमें पता है कि 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 लीटर 1 लीटर हो गया 750 मिलीलीटर। इसी तरह से ये भी होगा, इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 3 1 लीटर 250 मिलीटर, ये भी ऐसा ही होगा 1 लीटर 705 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब इसके अलावा भी हम कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए आपको ये नंबर है, आपको लीटर से लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.729। 1, 2, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट कर दिया, तो ये हो गया 9.729 लीटर। डायरेक्ट हो गया डिवाइड। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर 1000 से डिवाइड करिए और मिलीलीटर को लीटर से लीटर में चेंज कर रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, लीटर को मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई है
है कि स्पून छोटा होता है, उसमें कम क्वांटिटी आएगी सिरप की, तो हम उस कप सिरप को भी स्पून में होगा तो मिलीलीटर में मेजर करेंगे। यहाँ पे मिलीलीटर। अब थर्ड नंबर है मिल्क के अंदर पैकेट ऑफ मिल्क, जो दूध का पैकेट होता है मिल्क का, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में दूध आता है तो उसे हम इसमें मेजर करेंगे लीटर में। तो मिल्क इन द पैकेट ऑफ मिल्क जो होगा वो लीटर में मेजर होगा। अब फोर्थ नंबर है ऑयल इन टैंकर। टैंकर जो होता है ऑयल का वो बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा टैंकर है तो उसे हम ऑयल को जो है लीटर में मेजर करेंगे। अब यहाँ पे फाइव नंबर है मेडिसिन या आई ड्रॉप। आई ड्रॉप आपने देखा होगा उसकी बूंद बूंद गिरती है, आई ड्रॉप टू ड्रॉप, टू ड्रॉप या फाइव, चार बूंद या पाँच बूंद जो होती है वो ड्रॉप आई में डालना होता है तो बहुत ही कम क्वान्टिटी में होता है तो उसे हम मिलीलीटर में मेजर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सिक्स नंबर वाटर इन अ बकेट। बकेट बड़ी होती है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आएगा, तो वाटर इन अ बकेट हम जो है इसमें करेंगे मेजर लीटर में करेंगे। आप यहाँ पे देखिए वाटर वाले सूची जिसमें वाटर इन अ कप में कम आता तो मिलीलीटर में मेजर करें। वाटर इन अ बकेट, अगर वाटर बकेट में है तो ज्यादा है तो उसे हम लीटर में मेजर करें। इसी तरह से आपके घर में और आपके आजू बाजू में बहुत सी चीजें जिसे आप देख सकते हो, जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी हो तो पानी की टंकी में आप देखते हैं वाटर ज्यादा क्वांटिटी में आता बहुत होता है तो टंकी का जो वाटर होता है वो हम लीटर में मेजर करते हैं। और भी बहुत सी चीजें, अगर आप किसी पॉट में कोई